स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला में। आज की वीडियो में हम देखेंगे नेल पॉलिश, जो इंग्रेडिएंट्स नेल पॉलिश में इस्तेमाल किए जाते हैं वे कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं, किन इंग्रेडिएंट से नेल पॉलिश बनती है, उन हर एक इंग्रेडिएंट की इम्पोर्टेंस नेल पॉलिश में क्या होती है और ओवरऑल फॉर्मुलेशन, जो जनरल फॉर्मुलेशन हम कहते हैं नेल पॉलिश का, वे क्या होता है। इसी के साथ नेल पॉलिश की क्या आइडियल कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए यह भी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नेल पॉलिश या नेल इरेमेंट जिसे कहते हैं, तो यह एक लिक्विड प्रिपरेशन है जो फिंगर नेल्स पे अप्लाई की जाती है या तो फिर टो नेल्स पे अप्लाई की जाती है टू डेकोरेट एंड आल्सो टू प्रोटेक्ट द नेल। तो अब यहाँ पे प्रोटेक्शन का भी एक काम नेल पॉलिश जो है वह करती है। उसी के साथ एक कॉस्मेटिक लुक भी नेल्स को देने के लिए नेल पॉलिश का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेल पॉलिश को अलग अलग नाम से जाना जाता है कि जैसे हमने कहा कि नेल पॉलिश को नेल इनेमल भी कहा जाता है और उसी के साथ नेल पॉलिश को नेल पेंट्स भी कहा जाता है। तो नेल पॉलिश यह भी वर्ड जो है वे यूज किया जाता है। अब नेल पॉलिश की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे नेल पॉलिश में शेड्स ऑफ कलर हमें मिल जाती है, बहुत सारी कलर्स की शेड्स जो है वे अवेलेबल होती है। और यह एक इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है जो मैनिक्योर और पेडिक्योर में इस्तेमाल किया जाता है। अब यह दो वर्ड जो है वे शायद से नए नहीं है आपके लिए। मैनिक्योर इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ हैंड्स एंड नेल्स एंड पेडिक्योर इज द ब्यूटिफिकेशन ऑफ फुट। तो यहाँ पे जनरली अलग अलग ऐसी ट्रीटमेंट की जाती है जिससे कि डेड सेल जो भी हो उसे निकाला जाता है। कुछ नेल्स क्लिपिंग होगी, नेल्स के कटाई होगी तो वे भी की जाती है, उनको अच्छे से शेप दिया जाता है, उनको अच्छे से जो भी कुछ डेड पार्ट हो गए उन्हें रिमूव करके उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है। ऑयल मसाज करके नेल्स और हैंड्स की जो भी कुछ सेल होगी उन्हें नरिश करने के लिए यह सब प्रोसीजर जो है वे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें नेल पॉलिश जो है वे एक लास्ट प्रोसीजर होती है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है नेल्स को। अब इसी के साथ अगर इस फॉर्मूला को हम देखें कि कैसे बनाया जाता है नेल पॉलिश, तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो ओल्ड फॉर्मूला था उसमें इम्प्रूवमेंट करते करते आज जो नेल पॉलिश है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अगर नेल पॉलिश की हिस्ट्री की बात करें तो फ्रॉम चाइना इट इज ओरिजिनेटेड, ऑल्सो सम एविडेंसेस ऑल्सो अवेलेबल फॉर द Egyptian people using the nail polish from the very natural ingredient। उसमें ingredient में बीट का इस्तेमाल किया जाता था, उसी के साथ बी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता था और इन ingredient के साथ उसको अच्छा अपीयरेंस देने के लिए एग वाइट का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो यह प्रॉपर्टी यूज करके नेल को कलरिंग करने की जो भी कुछ प्रोसीजर है तो वह बहुत ओल्ड प्रोसीजर है। तो यहाँ पे उनमें इम्प्रूवमेंट करते करते आज हमारे पास जो भी नेल पेंट मार्केट में अवेलेबल है वे सबसे अच्छे क्वालिटी और इम्प्रूव फॉर्मूला के साथ है। तो आपको अगर मार्केट में अवेलेबल नेल पेंट्स कौन से होते हैं, कौन कौन से नेल पेंट्स कौन कौन से फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है अगर देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नेल पेंट अवेलेबल इन द मार्केट लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। तो नेक्स्ट होता है नेल पॉलिश। एग्जैक्टली कैसे होती है? तो नेल पॉलिश एक मिक्सचर है कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का और अदर इंग्रेडिएंट जो उसे सपोर्ट करते हैं और इनमें कलर इम्पॉर्टेंट होता है। वे कलर ऐड करके हमें एक पर्टिकुलर नेल पेंट जो है या नेल पॉलिश जो है या तो नेल एनामल जो है वो मिल जाती है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है नेल पॉलिश। अब इन मिक्सचर में अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक पॉलीमर, तो यहाँ पे दो फॉर्मुलेशन आप ध्यान में रखिए। कुछ नेल पेंट्स में ऑलरेडी पॉलीमर होते हैं और उन पॉलीमर को सोल्यूबलाइज किया जाता है कुछ स्पेसिफिक सॉल्वेंट के साथ। जब भी आप नेल पेंट का एप्लीकेशन किसी सरफेस पे कर देते हो तो सॉल्वेंट इवोपरेट हो जाएगा और तुरंत बाद आपको वे पॉलीमर ड्राई फॉर्म में वहां पे एक फिल्म बना देगा। अब सेकेंड टाइप नेल पेंट ऐसा होता है जिनमें मोनोमर्स ऐड किए जाते हैं, फोटो इनिशिएटर ऐड किए जाते हैं जिसमें इनिशिएशन रिएक्शन होगी। और अगर आपने पॉलीमर रिएक्शन पढ़ी है तो in presence of monomer and photoinitiator, initiation reaction take place, initiation goes on propagation and propagation reaction goes on termination। तो इस तरह पॉलीमर अपने एप्लीकेशन करने के बाद फॉर्म होता है और कुछ नेल पेंट्स में पॉलीमर ऑलरेडी ऐड किए जाते हैं। तो ऐसे भी नेल पेंट्स हैं जिनमें पॉलीमर बनते हैं और कुछ नेल पेंट्स में पॉलीमर ऑलरेडी होते हैं। तो इस तरह से नेल पेंट जो है वे फॉर्मुलेट होती है। यहाँ प्रोडक्ट में आप देखोगे तो अलग अलग ट्रांसपेरेंट से लेके कलर प्रोडक्ट तक हमें नेल पेंट्स में शेड्स एंड कलर्स मिल जाती है। अब जब हम नेल पेंट्स की रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो प्रोटेक्शन यह फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। तो इसी के साथ कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक नेल पेंट में होना जरूरी है। तो वे आइडियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है वे हम देखते हैं। फर्स्ट आइडियल कैरेक्टरिस्टिक इज द बी कलरफुल। इसका मतलब है कि जो भी नेल पेंट्स है वे कलरफुल होनी चाहिए। तो आपने कई बार मार्केट में देखा होगा कि ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी होती है, तो उनका फंक्शन डिफरेंट है। वे प्रोटेक्टिव लेयर बनाने के लिए या तो फिर नेल्स में अगर कुछ खामियां है उनको छुपाने के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन होती है वे कलर नेल पेंट का किया जाता है, जिससे एक स्मूथ इवन इफेक्ट जो है वह मिलती है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है नेल पेंट्स कलरफुल होनी चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे देखेंगे तो नेल पेंट्स जो है उनका कलर जो है वे फेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब नेल पेंट का एप्लीकेशन के बाद तुरंत उसका कलर फेड नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि कलर क्यों फेड होता है, इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेल पेंट्स के एप्लीकेशन के बाद अगर सन एक्सपोजर ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि कलर ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन हो, तो वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस से या तो फिर ड्यू टू सन रेडिएशन कलर में डैमेज हो सकती है। और कलर डैमेज या मॉलिक्यूल डैमेज हुआ तो उसका कलर जो हमें इंटेंसिटी जो मिल रही है वे चेंज हो जाएगी। जो नेल पेंट हमने जिस शेड की सिलेक्ट की थी वे शेड वहां पे नहीं होगी, उससे कम कलर हो सकता है। तो नेल पेंट में यह होना नहीं चाहिए, यह इंपॉर्टेंट है। और वे कैसे प्रिवेंट किया जाता है हम आगे इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे। यहाँ पे मैं यही बताता हूँ कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए कुछ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और यूवी ब्लॉकर्स भी इसमें ऐड किया जाता है। नेक्स्ट वन एप्लीकेशन। अब कोई भी प्रोडक्ट हो कि उसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वे ईजी होनी चाहिए, यह एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। वही रिक्वायरमेंट नेल पेंट में होती है। ब्रशिंग जो हम करते हैं नेल पेंट एप्लीकेशन, तो उन नेल पेंट एप्लीकेशन में इजीली एप्लीकेशन होना जरूरी होता है नेल पेंट्स का। उसी के साथ यह नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बी थिन इनफ। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बी थिन इनफ। जब हम अप्लाई करें तो कोई क्लॉग नहीं बनना चाहिए। नेल पेंट जब भी अप्लाई किया जाए तब कोई क्लॉगिंग वहां पे नहीं होनी चाहिए। कोई रेसिड्यूअल पार्ट जो है नेल पेंट का नेल्स पे एक जगह पे जमा नहीं होना चाहिए, इसलिए नेल पेंट थीन होनी चाहिए। इसी के साथ नेल पेंट थिक भी होनी चाहिए, इनफ थिकनेस उसमें जरूरी है। इससे नेल पेंट जब एप्लीकेशन की जा रही हो तो वो फ्लो आउट ना हो, इसलिए यहाँ पे यह प्रॉपर्टी जरूरी है। तो हम कहेंगे कि ज्यादा थिन भी ना हो और ज्यादा थिक भी ना हो, मॉडरेट होनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द स्टिकनेस टू द नेल्स। अब नेल पेंट एप्लीकेशन करने के बाद उसकी अडेरेंस जो प्रॉपर्टी है वे होनी चाहिए। इजीली नेल पेंट की जो भी कुछ फिल्म है वे निकलनी नहीं चाहिए, यह कैरेक्टरिस्टिक नेल पेंट में होना जरूरी होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज हार्ड एंड ग्लॉसी। अब नेल पेंट जो भी एप्लीकेशन हमने नेल्स पे करना है उस नेल पेंट के एप्लीकेशन के बाद आफ्टर द ड्राइंग आफ्टर द कंप्लीट एप्लीकेशन द नेल पेंट शुड बी कंप्लीटली हार्ड एंड इट ऑल्सो गिव्स द ग्लोज। मतलब वहां पे शाइन होनी चाहिए उसमें। और उसी के साथ नेल पेंट की जो लेयर बनेगी वे सफिशिएंटली हार्ड होनी चाहिए सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट द मिडल नेल्स। जो उसके अंडर नेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कैपेसिटी उसमें हो। उसी के साथ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वे ऑयल और वाटर में सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए, इजिली वॉश ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल में आप कुछ काम कर रहे हो या तो वाटर में आप कुछ काम कर रहे हो तो इसमें इजीली नेल पेंट रिमूव नहीं होना चाहिए, यह कैरेक्टरिस्टिक होता है। नेक्स्ट वन इज द रेजिस्ट टू क्लिपिंग। अब क्लिपिंग क्या होती है कि पपड़िया निकलना, यह ऑलमोस्ट होता है बहुत बार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज अ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेल पेंट। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ नेल पेंट शुड बी अ क्विक ड्रायर। आफ्टर द एप्लीकेशन नेल पेंट अच्छे से क्विकली ड्राई हो जानी चाहिए। यह क्यों जरूरी होता है, क्योंकि एप्लीकेशन करने के बाद अगर नेल पेंट ड्राई होने में ज्यादा समय लगे तो हो सकता है कि कुछ टचेस अनवांटेड टचेस या कहीं आपका नेल जो है वे कहीं टच हो गया तो आपकी जो भी फिनिशिंग नेल्स की पेंट की होगी वे डैमेज हो सकती है अगर वे ड्राई नहीं हुआ है प्रॉपरली। अगर वे प्रॉपरली ड्राई हो जाता है तो प्रोटेक्शन इफेक्ट जो है वे अल्टीमेटली आ जाए। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ नेल पेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक इट शुड बी कलरफुल, इट्स कलर शुड नॉट बी फेड, इट शुड बी एप्लीकेबल वेरी इजीली, सो दिस कैरेक्टरिस्टिक एज अ ब्रश ऑन स्मूथर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अबाउट इट्स थिकनेस और थिननेस और इट्स लिक्विडिटी। इट शुड नॉट बी वेरी थिक और वेरी थिन। It should be thin enough and it should be thick enough. It should be stick on the nails easily. It should be hard and glossy after the application. It should resistance to the water and oil. It should resist to the clipping. जो ड्राइनेस होती है उसके बाद पपड़ियाँ निकल जाती है वैसा नहीं होना चाहिए. And the last characteristic, it should be dry quicker. तो यह characteristic जो है nail paints में होना जरूरी होता है. तो अब नेक्स्ट देखते हैं नेल पेंट्स के इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं. तो जो मेजर इंग्रेडिएंट्स आज के मॉडर्न नेल पेंट्स में होती है वे होती है फिल्म फॉर्मर्स, जिससे फिल्म बनती है नेल पेंट के एप्लीकेशन के बाद. जो लेयर बनेगा उसे हम कहेंगे फिल्म. दैट केमिकल्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू द फिल्म फॉर्मेशन इज नोन एज अ फिल्म फॉर्मर्स. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है रेजिन. रेजिन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ पॉलीमर जो स्टिकीनेस प्रोवाइड करने के लिए भी हेल्प करता है और जो नेल पेंट एप्लीकेशन के बाद हार्डनेस आती है उसमें भी हेल्प करता है. थर्ड इज अ सॉल्वेंट जो नेल पेंट्स में अप्लाई करने के बाद सोल्युबिलिटी को मेंटेन रखेगा. जो भी कुछ पॉलीमर इस्तेमाल किए गए इट शुड बी सोल्यूबल इन दैट सॉल्वेंट और सॉल्वेंट जैसे ही ऑपरेट हो जाता है वैसे पॉलीमर की लेयर वहां पे बन जाएगी. नेक्स्ट वन इज अ डाइल्यूएंट. अब नेल पेंट ज्यादा थिक या थीन है इसको मेंटेन करने के लिए डाइल्यूएंट का इस्तेमाल किया जाता है. अगर नेल पेंट ज्यादा थिक है तो डाइल्यूएंट का एडिशन किया जाएगा. और कई बार आपने देखा होगा कि नेल पेंट्स एप्लीकेशन के वक्त अगर गलती से आपकी नेल पॉलिश बॉटल जो है वे ओपन रह गई कुछ समय के लिए तो उसमें से सॉल्वेंट एंड डाइल्यूएंट इवोपरेट होना स्टार्ट होता है एंड दैट नेल पेंट बिकम मोर थिकर. और कुछ बार ऐसा भी हो जाता है कि नेल पेंट कंप्लीटली ड्राई हो सकती है. तो यह डाइल्यूएंट का काम है जो नेल पेंट को एक स्मूथ लिक्विड स्ट्रक्चर में मेंटेन करने का काम करती है. नेक्स्ट इज अ प्लास्टिसाइजर. बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है प्लास्टिसाइजर. हमने कैरेक्टरिस्टिक देखी थी कि नेल पेंट में क्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, पपड़ियां नहीं निकलनी चाहिए, टूटना नहीं चाहिए. तो इन प्रॉपर्टी को अचीव करने के लिए प्लास्टिसाइजर हेल्प करती है. अब प्लास्टिसाइजर ऐसे केमिकल कंपोनेंट है जो ऐड करने के बाद जो भी पॉलीमर की लेयर बनेगी उसमें एक स्मूथनेस लाने की कोशिश करेगा या तो फिर हम कहेंगे स्ट्रेचिंग कैपेसिटी उसमें ऐड कर देगा. इससे क्या होगा कि माइनर कुछ इम्पैक्ट होता है नेल पेंट्स पे तो वे नेल पेंट का इम्पैक्ट जो है उससे नेल पेंट टूटेगी नहीं. उनमें एक प्लास्टिक की इफेक्ट है तो उस वजह से वे उतना इम्पैक्ट जो है वे विथस्टैंड कर सकती है. तो प्लास्टिसाइजर जो है वे नेल पेंट को एक प्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक या तो फिर उसमें हम कहेंगे एक स्मूथ कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करेगा जिससे नेल पेंट इजीली वहां से रिपॉप ना हो. नेक्स्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज अ कलर इंग्रेडिएंट. अब नेल पेंट की जो भी कुछ डिमांड मार्केट में होती है इट्स बेस्ड ऑन देयर कलर. उसमें अलग अलग कलर्स आपको मार्केट्स में मिल जाते हैं. रिक्वायरमेंट जो भी कुछ होगी या डिमांड जो भी कुछ होगी इट इज टोटली बेस्ड ऑन द कलर. तो यह सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है नेल पेंट्स के लिए. तो हम देखते हैं वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स और उनके रोल्स क्या होते हैं. तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज अ फिल्म फॉर्मर्स. ऐसे इंग्रेडिएंट है जो फिल्म बनाने के लिए काम करते हैं. तो जनरली यह पॉलीमर होते हैं और कॉमन पॉलीमर यहाँ पे यूज किया जाता है. याद रखना है नाम नाइट्रोसेल्यूलोज. ऑलमोस्ट ऑल नेल पेंट्स कंसिस्ट ऑफ दिस नाइट्रोसेल्यूलोज. तो यह जरूरी नहीं है कि सभी नेल पेंट्स में हो लेकिन ऑलमोस्ट ऑल नेल पेंट्स हैज अ नाइट्रोसेल्यूलोज बेस. अब नाइट्रोसेल्यूलोज क्या होता है तो सेल्यूलोज आपको पता है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन एंड आफ्टर द इट इज अ नेचुरल पॉलीमर. सेल्यूलोज जो है वह नेचुरल पॉलीमर है. उसमें नाइट्रेशन करने के बाद हमें नाइट्रोसेल्यूलोज मिलता है एंड दैट नाइट्रोसेल्यूलोज इज यूज फॉर द फिल्म फॉर्मर अब इस नाइट्रोसेल्यूलोज को दूसरा नाम है सेल्यूलोज नाइट्रेट. स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यह स्ट्रक्चर है नाइट्रोसेल्यूलोज का. दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर वेयर ऑल हाइड्रोक्सी ग्रुप जो फ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसमें नाइट्रेशन किया जाता है. NO2 ग्रुप वहां पे अटैच हो जाते हैं एंड इट बिकम नाइट्रोसेल्यूलोज. यहाँ पे हाइड्रोजन अगर होते हैं देन इट इज सेल्यूलोज. यहाँ पे नाइट्रेशन अगर हो गया तो इट इज नाइट्रोसेल्यूलोज. तो n नंबर ऑफ दिस मॉलिक्यूल मींस पॉलीमर इंडिकेट करता है. तो यह होता है फिल्म फॉर्मर. अब इसी के साथ कुछ और भी फिल्म फॉर्मर्स होते हैं जैसे कि सेल्यूलोज एसीटेट हो सकता है. दिस इज डिराइव फ्रॉम आल्सो सेल्यूलोज. सेल्यूलोज एसिटोब्यूटेरिल हो सकता है, इथिल सेल्यूलोज हो सकता है, मिथिल एक्रेलेट हो सकती है या तो फिर विनिल रेजिन जो है वे नेल फिल्म फॉर्मर्स के तौर पे यूज की जा सकती है. लेकिन मेजर पार्ट इज अ नाइट्रो सेल्यूलोज. अब इस मटेरियल का काम क्या होता है? इस मटेरियल का काम होता है फिल्म का फॉर्मेशन करना. जो भी नेल पेंट हम अप्लाई कर रहे हैं उसकी एक फिल्म, पतली फिल्म जो है वे बनाने का काम यह कंपोनेंट जो है वे करते हैं। अब इन मटेरियल में सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज नाइट्रेट जो है उन्हें प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई एंड गुड क्वालिटी। तो मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट ऑल नेल पेंट्स कंसिस्ट ऑफ दिस सेल्यूलोज नाइट्रेट because it has a very good efficiency to make the thin film of the nail paint। तो उसकी nail paint की thin film बनाने के लिए बहुत ही helpful काम करता है cellulose nitrate। अब nitrocellulose की film जो है वो सबसे better होती है in terms of their hardness। hardness के मामले में सबसे better film nitrocellulose की मिलती है। along with that toughness के criteria में भी nitrocellulose की film जो है other film former से अच्छी होती है। and resistance to एब्रेशन, जो भी फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से नेल पेंट जो डैमेज हो सकती है उनको भी रेजिस्ट करने का काम नाइट्रोसेल्यूलोज करता है यहाँ पे। एंड इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज अ लो सॉल्वेंट रिटेंशन कैपेसिटी। इसका मतलब क्या होता है, जब भी नेल पेंट अप्लाई किया जाए तो सॉल्वेंट इवोपरेट होना एक्सपेक्टेड होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि जो फिल्म बन जाती है उसमें कुछ सॉल्वेंट ट्रैप होने के चांसेस होते हैं और इन सॉल्वेंट का ट्रैपिंग अगर रहता है तो फिल्म जो है वे कंप्लीट प्रोटेक्शन देने की जो कैपेसिटी रखती है वे नहीं होगा। इट ऑल्सो अफेक्ट द हार्डनेस, टफनेस एंड रेजिस्टेंस टू एब्रेशन। तो इसीलिए यहाँ पे अगर नाइट्रोसेल्यूलोज अगर इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी सॉल्वेंट यहाँ पे रुकेगा नहीं। ऑलमोस्ट ऑल सॉल्वेंट गेट इवोपरेटेड आफ्टर द एप्लीकेशन। इसीलिए नाइट्रोसेल्यूलोज यह इम्पोर्टेंट फिल्म फॉर्मर की तरह एक्ट होता है। तो नेल पेंट में सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है फिल्म फॉर्मर। फिल्म फॉर्मर में इंग्रेडिएंट आपको याद रखना है नाइट्रो सेल्यूलोज और सेल्यूलोज नाइट्रेट। ओके, द फिल्म विच इज प्रिपेयर्ड बाय द नाइट्रोसेल्यूलोज इज आल्सो वाटरप्रूफ एंड स्टेबल इन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। मतलब जो भी कुछ ऑक्सीडेशन या तो फिर सन रेडिएशन है उनमें भी यह स्टेबिलिटी मेंटेन करती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट में नाइट्रोसेल्यूलोज को फिल्म फॉर्मर्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आता है रेजिन। अब रेजिन क्या करता है, रेजिन एक एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और रेजिन के एप्लीकेशन के बाद जो ग्लॉसीनेस है, जो उनकी अटैचमेंट की कैपेसिटी है नेल पेंट की, उन्हें यह इम्प्रूव कर देता है। सो ओवरऑल रेजिन हेल्प टू इम्प्रूव द कैपेसिटी और द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल नेल पॉलिश। तो रेजिन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक इनकॉर्पोरेट करने के लिए हेल्प करता है, जिनमें ग्लॉस प्रोवाइड करेगा। अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द अटैचमेंट, जो अटैचमेंट है वे प्रोवाइड करेगा। अडेरेंस हम कह सकते हैं, या तो फिर हम कह सकते हैं कि जो नेल पॉलिश की टिकने की कैपेसिटी है नेल्स पे, उन्हें रेजिन जो है वे बढ़ा देती है। अब रेजिन जो हेल्प करती है इनमें, अलॉन्ग विद दैट अबो एप्लीकेशन रेजिन इज ऑल्सो हेल्प टू डिस्पर्स द इनसोल्यूबल पिगमेंट्स एंड लैक्स। अब जो नेल पेंट्स हम लेते हैं उनमें पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें कलर्स मिलते हैं, और लैग्स भी होते हैं जिन्हें हम कलर लैग्स कह सकते हैं। तो इनको सोल्यूबलाइज करने के लिए हेल्प करता है, नॉट कम्प्लीटली सोल्यूबलाइज बट इट प्रोड्यूस द डिस्पर्शन बिकॉज ऑफ द रेजिन। रेजिन के साथ यह कलर अटैच हो जाएंगे एंड इट इज प्रॉपरली मिक्स इन द होल नेल पेंट। तो यहाँ पे नेचुरल रेजिन का इस्तेमाल पहले किया जाता था लाइक अ गम डाइमर, और उसी के साथ अब सिंथेटिक रेजिन का भी इस्तेमाल किया जाता है लाइक द बेंजोइक रेजिन, गम कैपिटल। तो इस तरह से रेजिन जो है वे सिंथेटिक रेजिन, नेचुरल रेजिन से सिंथेटिक रेजिन में आज रिप्लेस हो चुके हैं। अब सबसे ज्यादा जो सिंथेटिक रेजिन इस्तेमाल किया जाता है फॉर द नेल पॉलिश प्रिपरेशन इज द सल्फेनामाइड फॉर्मलडिहाइड रेजिन। अब यहाँ पे कोपॉलीमर है, इसे हम कहते हैं कोपॉलीमर। इसका क्या मीनिंग होता है, the polymer which is formed by the two different monomer, one monomer is a formaldehyde and another monomer is a sulphonamides। तो यहाँ पे दोनों का combination होके हम resin बनाते हैं और that polymer is called as a liquid resin। resin generally liquid होते हैं, तो यहाँ पे इनको use करके हम यह characteristic improve कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं, या तो polymer exactly कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, so simply formaldehyde and p-toluidine sulphonamides अगर हम लेते हैं और इनके कॉम्बिनेशन करके हम पॉलीमर अगर बनाते, सो वी गेट द सल्फोनामाइड फॉर्मलडिहाइड कोपॉलीमर रेजिन एंड इट गिव्स द एक्सेलेंट ग्लोस, डेप्थ, एडहेजन कैरेक्टरिस्टिक एंड रेजिस्टेंस टू वाटर कैरेक्टरिस्टिक टू द नेल पेंट। नेक्स्ट थिंग सॉल्वेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉल्वेंट। अब जो भी पॉलीमर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कलर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सोल्यूबलाइज करने के लिए कुछ सॉल्वेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे होनी चाहिए और इस सॉल्वेंट प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करते हैं बाय यूजिंग VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो सकता है, नेल पॉइंट में अलग अलग वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिंगल सॉल्वेंट को ना इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे प्रेफर किया जाता है टू यूज ओवर अ मल्टीपल सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्यों मल्टीपल सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है? हो सकता है कि सिंगल सॉल्वेंट में सब इंग्रेडिएंट जो है वे सोल्यूबल ना हो, लेकिन मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट में क्या होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी नेल पेंट में आ जाती है और इस यूनिफॉर्मिटी की वजह से नेल पेंट जो है वे यूनिफॉर्म टेक्सचर में लॉन्ग पीरियड तक रह सकता है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक में हम अलग अलग प्रॉपर्टीज जो है वे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और एक यूनिफॉर्म नेल पॉलिश जो है वे हमें यहाँ पे मिल सकती है। अब यहाँ पे सॉल्वेंट इवोपरेट होने के बाद कोई ट्रेसेस वहाँ पे नहीं होने चाहिए, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे नेल पेंट की जो भी कुछ एप्लीकेशन हमने की है उसकी हार्डनेस और या तो फिर उसकी जो स्ट्रिप है या तो फिर उसकी जो कवरिंग है वे बनने के बाद सॉल्वेंट यहाँ पे कंप्लीट इवोपरेट होना, यह कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मतलब सॉल्वेंट नहीं रहना चाहिए आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ नेल पेंट। तो सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक है सब इंग्रेडिएंट को मिक्स करना, लेकिन मिक्सअप करने के बाद आफ्टर द एप्लीकेशन इट शुड बी इवोपरेट एंड इट शुड नॉट लेफ्ट बिहाइंड इन द फिल्म ऑफ नेल एनामल्स। तो यहाँ पे जनरली सॉल्वेंट जो इस्तेमाल किए जाते हैं नेल पेंट्स में आप याद रखना दैट इज ईथर्स। तो ईथर्स हो सकते हैं, मिथिल एसिटेट हो सकता है, एसीटोन। ऑलमोस्ट जो स्मेल आपको नेल पेंट में आती है इट इज बिकॉज ऑफ द एसीटोन और जो स्मेल हमें मिलती है इट इज बिकॉज ऑफ द ईस्टर्स दैट इज इथिल एसिटेट लाइक कंपोनेंट, मिथिल एंड इथिल एसिटेट कंपोनेंट। और इसी के साथ कई बार कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है, कुछ अमाउंट में इथेनॉल होगा, कुछ अमाउंट में टोल्यून भी इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो यूज किए जाने वाले कंपोनेंट है वे है इथिल एसिटेट, एसीटोन एंड ब्यूटिल एसिटेट। तो इस तरह कंपोनेंट जो है वे यूज किए जाते हैं एज अ सॉल्वेंट फॉर द नेल पेंट। अब नेक्स्ट आती है डाइल्यूएंट। डाइल्यूएंट इज आल्सो सॉल्वेंट, इट इज आल्सो सॉल्वेंट। बट अब यहाँ पे डाइल्यूएंट और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंट है? तो यह डाइल्यूएंट भी सॉल्वेंट है लेकिन इसमें मिसिबिलिटी होती है नाइट्रोसेल्यूलोज के साथ। अब अदर सॉल्वेंट जो है वे इमिसिबल थे, यहाँ पे डाइल्यूएंट जो है वे मिसिबल होगा नाइट्रोसेल्यूलोज के साथ और नाइट्रोसेल्यूलोज के साथ मिसिबल होने की वजह से नाइट्रोसेल्यूलोज को यूनिफॉर्म टेक्सचर प्रोवाइड करने के लिए डाइल्यूएंट हेल्प करता है और उनके क्लॉगिंग या क्लॉग बनने की जो प्रोसीजर है उन्हें अवॉइड करता है। तो जनरली यहाँ पे जो डाइल्यूएंट यूज किए जाते हैं वे होती है अल्कोहल, मिथेनॉल, इथेनॉल और हायर अल्कोहल। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकती है और उसी के साथ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी यहाँ पे यूज किए जाते हैं एज अ डाइल्यूएंट। तो नेक्स्ट आती है प्लास्टिसाइजर, दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द नेल पेंट। अगर प्लास्टिसाइजर नहीं है नेल पेंट एप्लीकेशन करने के बाद इजीली वहां से निकल जाएगी नेल पेंट्स विद इन द 1 और 2 डेज। अगर कहीं भी इम्पैक्ट होता है तो इजीली वहां पे क्लिप आउट हो जाएगी, वहां से नेल पेंट जो है वे फॉल आउट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्लास्टिसाइजर का रोल यहाँ पे होता है। प्लास्टिसाइजर जो फिल्म हम नेल पेंट की अप्लाई कर रहे हैं उसे स्मूथ करने का काम करती है प्लास्टिसाइजर। द फिल्म विच इज फॉर्म ओवर द नेल्स इज जनरली ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोज और इस नाइट्रोसेल्यूलोज की हार्ड फिल्म को एक स्मूथ इफेक्ट देने का काम करती है प्लास्टिसाइजर। अब प्लास्टिसाइजर का मैं एप्लीकेशन आपको अगर बताता हूँ और इसका एडवर्स इफेक्ट भी मैं बताता हूँ। वाटर बॉटल्स जो मार्केट में बेची जाती है फॉर द ड्रिंकिंग वाटर पर्पस, जो पैक वाटर बॉटल होती है उनको इस्तेमाल करने के बाद आपने कई बार उन पे इंस्ट्रक्शन देखी होगी इट शुड बी क्रश एंड रिसाइकल, वहां पे लिखा होता है। तो यह प्लास्टिक बॉटल जो है वे मल्टीपल टाइम यूज नहीं करनी चाहिए, यह एक्सपेक्टेड होती है, राइट। आपने कई बार कई विज्ञापन में देखा होगा कि प्लास्टिक बॉटल जो है वे रियूज करके बहुत सारे डिसीजेज भी सर्कुलेट होते हैं या तो वहां पे डिसीजेज जो है बढ़ने के चांसेस होती है। तो इनको सबको अवॉइड करने के लिए प्लास्टिक बॉटल जो है वे आफ्टर द सिंगल एप्लीकेशन उसे क्रश करके रिसाइकल करने के लिए भेज देना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार यह प्लास्टिक बॉटल जो है वे मल्टीपल टाइम्स यूज की जाती है। अब प्लास्टिक बॉटल जब बनी है इट इज मेड अप फ्रॉम द वेरियस पॉलीमर, लेकिन उसमें प्लास्टिसाइजर भी ऐड किया जाता है टू रेजिस्ट द इम्पैक्ट। अब प्लास्टिक बॉटल जब ट्रांसपोर्ट हो रही होगी अगर उसमें इलास्टिसिटी नहीं है तो ब्रेक होने के चांसेस है कुछ हायर इम्पैक्ट से। तो वे नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसमें स्मूथनेस आने के लिए प्लास्टिसाइजर ऐड किए जाते हैं। अब जब प्लास्टिक बॉटल मल्टीपल टाइम यूज होना स्टार्ट हो जाती है तो यह प्लास्टिसाइजर जो है वाटर में धीरे धीरे लीच होना स्टार्ट होता है। लीचिंग मीन्स यह कैरेक्टरिस्टिक है, धीरे धीरे अपना अंश कुछ जो है वो वाटर में छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और यही वाटर जो प्लास्टिसाइजर से मिक्सअप है अगर ह्यूमन कंज्यूम करता है मल्टीपल टाइम्स देन इट मे कॉज अ सीवियर डैमेजेस इन द ह्यूमन बॉडी। तो यह होता है प्लास्टिसाइजर जो कहीं प्लास्टिक इक्विपमेंट में जिसमें स्मूथनेस चाहिए होगी तो वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने कई ऐड देखे होंगे, कुछ प्लास्टिक के बर्तन है जिसपे से रोलर भी अगर पास कर दिया जाए तो अपने शेप में रिटेन कर देते हैं। इट ऑल्सो कंटेन द गुड क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिसाइजर। तो प्लास्टिसाइजर का यहाँ पे काम आप जान लीजिए इन नेल पेंट, इट इज प्रोवाइड द स्मूथ फिल्म ऑफ द नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज की जो बेसिकली हार्ड फिल्म बनेगी उसमें स्मूथनेस लाने का काम करेगी प्लास्टिसाइजर। अब नाइट्रोसेल्यूलोज की अगर फिल्म हम बनाते हैं तो इट फॉर्म अ डल एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मीनिंग होता है यहाँ पे हार्ड फिल्म जो इजीली ब्रेक हो जाए, इजीली ब्रेक हो जाए, फ्रेजाइल। तो यहाँ पे डल फिल्म बनती है, उसके साथ ही वो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं और इजीली यहाँ पे रिमूव हो सकती है फ्रॉम द नेल्स आफ्टर द एप्लीकेशन। तो यह होना नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिसाइजर। तो जनरल प्लास्टिसाइजर जो यूज किए जाते हैं याद रखना है आपको, कैम्फर, कपूर जो होती है वह होता है कैम्फर, दैट इज अ केमिकल कैम्फर, इट इज यूज एज अ प्लास्टिसाइजर। अलॉन्ग विथ दैट अनदर प्लास्टिसाइजर इज अ ट्राइफिनिल फॉस्फेट, डाइब्यूटिल फॉस्फेट, एनब्यूटिल स्टारेट एंड कैस्टर ऑयल इज ऑल्सो यूज एज अ प्लास्टिसाइजर। तो जनरल जो मेजर प्लास्टिसाइजर यूज किए जाते हैं वे कैम्फर है और ट्राइफिनिल फॉस्फेट है। तो यह दो कंपोनेंट जो है वे मैक्सिमम यूज किए जाते हैं एज द प्लास्टिसाइजर। तो कम्फर यह कंपोनेंट है जो प्लास्टिसाइजर के तौर पे नेल पेंट में होता है और उसी के साथ ट्राइफिनिल फॉस्फेट भी होते हैं एज अ प्लास्टिसाइजर विच गिव द स्मूथ फिल्म ऑफ द नाइट्रोसेल्यूलोज। नेक्स्ट एंड द लास्ट इंग्रेडिएंट इज अ कलर। जनरली जो कलर हमें नेल पेंट्स में मिलती है, अलग अलग कलर जो मिलती है, इट इज बिकॉज ऑफ द कलर पिगमेंट्स जो नेल पेंट्स में ऐड की जाती है। अब यहाँ पे जनरली सोल्यूबल डाइज यूज की जाती है। अब सोल्यूबल डाइज का मीनिंग यह नहीं हुआ कि वो वाटर सोल्यूबल हो, इट इज सोल्यूबल इन द सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल हो ऐसे डाइज जो है वे यूज की जाती है। और सॉल्वेंट में हमने क्या देखा था, इट में कंटेन इथिल एसिटेट, मिथिल एसिटेट, ब्यूटिल एसिटेट और एसिडोन। इनमें सोल्यूबल हो ऐसे डाइज जो है वे यूज किए जाते हैं टू गिव द कलर टू दी नेल पेंट। और अब यहाँ पे लैक्स कलर का भी अब मेजरली यूज किया जाता है। अब लैक कलर मीन्स इट इज अ डिस्पर्शन and it is added to give the depth in the depth color। जो कलर हमें मिलती है उनमें एक पर्टिकुलर डेप्थ देने के लिए लैक कलर आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर नेल पेंट आप लेने जाते हो तो आपको लैक कलर के साथ कोडिंग भी वहां पे मिलेगी और उस हिसाब से जो कलर हमने इस्तेमाल किया है वेदर इट इज ऑर्गेनिक ओरिजिन और इनऑर्गेनिक ओरिजिन वे भी आपको समझ सकता है, जहाँ पे हैशटैग होती है और कलर कोड होते हैं XYZWX। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं उससे आपको कलर की ओरिजिन आपको समझ सकती है, वेदर इट इज इनऑर्गेनिक पिगमेंट, वेदर इट इज ऑर्गेनिक पिगमेंट, लाइकवाइज। तो यहाँ पे लैक कलर का भी आजकल इस्तेमाल होता है इन द नेल पॉलिश। एंड अब जो भी कलर यहाँ पे नेल पॉलिश में यूज कर रहे हैं हम, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू लाइट। यहाँ पे भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू लाइट एंड एक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी एक्शन उनपे नहीं होनी चाहिए और लाइट से वे फेड आउट नहीं होने चाहिए इजीली। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ऑल्सो वी यूज द नेल इनेमल और द नेल, और बहुत बार चांसेस है कि वे माउथ में जा सकती है या तो फिर फूड कंटेमिनेट कर सकती है, इसलिए यह नेल कलर जो है वे नॉन टॉक्सिक कैटेगरी के होने चाहिए एंड इट शुड बी नॉन इरिटेंट इन नेचर। तो यह कैरेक्टरिस्टिक नेल कलर्स की होनी जरूरी होती है। अब नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेल पेंट कैसे बनाया जाता है? तो नेल पेंट बनाने के लिए जनरली बेस प्रिपेयर किया जाता है बाय सेपरेटली डाइल्यूटेड दी मदर लिकर। अब यहाँ पे मदर लिकर जो अवेलेबल है मार्केट में तो इनमें सॉल्वेंट होगी और उसी के साथ नाइट्रोसेल्यूलोज की एक फिल्म फॉर्मर जो है वे इन सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके हमें एक क्वांटिटी मिल जाती है। तो प्राइमरी हमें क्या क्या नेल पेंट के इंग्रेडिएंट ध्यान में रखना है, फिल्म फॉर्मर, रेजिन। जो नाइट्रोसेल्यूलोज है वह फिल्म फॉर्मर है, रेजिन में कई अलग रेजिन हो सकते हैं जिनपे सल्फोनामाइड फॉर्मलडिहाइड रेजिन जो है वे सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इनको एक प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाएगा और उसके बाद रेजिन प्लास्टिसाइजर जो है वे यूज करके हम एक स्मॉल क्वांटिटी नाइट्रोसेल्यूलोज में मिक्सअप करना स्टार्ट कर देंगे। अब ये क्वांटिटी कंटिन्यूसली नाइट्रोसेल्यूलोज मिक्सचर में ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे कलरलेस ऐसा क्वांटिटी मिलेगा जिसको डाइल्यूट किया जाएगा विद द सुटेबल कलर। अब जैसे कलर हमें चाहिए, जो शेड हमें चाहिए वैसे कलर उनमें ऐड करके उन्हें डाइल्यूट किया जाएगा बाय द डाइल्यूएंट एंड वी गेट अ फाइनल फॉर्मुलेशन ऑफ द नेल पेंट। अब फॉर्मुलेशन में एक जनरल फॉर्मुलेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि नेल पेंट में क्या होता है। तो यहाँ पे 100 ग्राम की क्वांटिटी में अगर हम नेल पेंट देखते हैं तो नाइट्रोसेल्यूलोज इज अराउंड 16 ग्राम, रेजिन इज एडेड अराउंड 9 ग्राम, प्लास्टिसाइजर इज एडेड अराउंड 4.8 ग्राम, सॉल्वेंट जो मेजर पार्ट होता है सॉल्वेंट का इट इज अराउंड 60.5 ग्राम। कलर जो क्वांटिटी वेरिएबल हो सकती है और कलर कौन सा है उसमें भी क्वांटिटी वेरिएबल हो सकती है। फॉर द जनरल फॉर्मुलेशन इट इज 0.5 ग्राम एंड लास्ट वन इज अ परफ्यूम। कई बार जो नेल पेंट है उनमें यह सॉल्वेंट होने की वजह से कुछ बैड स्मेल या तो फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड नॉन एक्सेप्टेबल स्मेल जो है वे क्रिएट हो जाती है। उनको मास्क करने के लिए परफ्यूम की बहुत ही कम क्वांटिटी जो है वे नेल पेंट में इस्तेमाल की जाती है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मुलेशन ऑफ द नेल पेंट। इसी के साथ यह लेक्चर हम यहाँ पे फिनिश करते। आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, आपके कुछ भी क्यूरीज होगी तो कमेंट कीजिए, और अगर आज तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड सभी वीडियो आपको यहाँ पे दी हुई प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। हैव अ नाइस डे।